हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर रीवा से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा रीवा संभाग के पदाधिकारी अपने कार्यकर्तन के संगे सतना जिला में चलाए वाले किसानन के धरना प्रदर्शन और उनकर मांगन का पूरा करे खातिर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिन। पदाधिकारी इस समय कहिन के इतने आधी तूफान के बीच किसान टावर माही चढ़ के आंदोलन कर रहे हैं, जिनकर मांग का पूरी की जा चाहिए। आई सुनी किसान नेता का बता रहे हैं। वहाँ कार्यालय में क्या मांगे रखी गई है? सतना जिले की उचहरा तहसील में किसानों की भूमि को जबरदस्ती अधिग्रहित कर लिया गया है, जिसमें बिजली विभाग द्वारा टावर बनाया गया तथा गैस की पाइपलाइन बिछाई, जिसके विरोध में पिछले 5 दिन से किसान टावर पर चढ़कर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बेखबर और लापरवाह प्रशासन की तरफ से ना कोई बातचीत करने का उनको मौका दिया गया और ना ही कोई प्रयास किए जा रहे हैं। हम किसान यूनियन के लोग संयुक्त किसान मोर्चा रीवा के तत्वाधान में संभायुक्त महोदय को ये बताने आए हैं कि आपके अधीनस्थ सतना जिले का प्रशासन इतना लापरवाह है कि टावर में चढ़े हुए किसानों से बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझता। अगर ऐसी बात रहेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा। बुलेटिन के दूसर खबर शहडोल से हवे, जहां के धनौरा ग्राम पंचायत में ही सचिव और इंजीनियर मिली भगत कई के पट्टा के जमीन में ही स्टाफ डैम के बनवाए रहे हम। और यह जमीन शहडोल जिला में नहीं बल्क अनूपपुर के कोतमा तहसील के गांव पंचायत बिजहा टोला में हवे। फरियादी राम कुमार कहिन के जमीन उनका पट्टा के आ, जबकि उमर स्टाफ डैम के निर्माण करावा जाला है। वहाँ स्टाफ डैम के निर्माण के विरोध करें तो सरकारी काम में बाधा डारे के आरोप में ही जेल में डारे के उनका धमकी दीन जाला ही है। आई जाने सलगा मामला। इस ग्राम का नाम क्या है? धनौरा ग्राम पंचायत है, शहडोल जिले में आता है, अनूपपुर जिले में है। आपका नाम क्या है? राम कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते। तो इस जगह पे आप क्यों खड़े हैं, क्या दिक्कत है आपका? भी ये परेशानी है, जबरन बना रहे मेरे पट्टे की जमीन में। कौन बनवा रहा है? ये सचिव सेक्रेटरी बनवा रहे हैं। कब से बन रहा है ये? आज 24 तारीख, अगले 24 से शुरू हुआ है। तो काम रुका है कि अभी चल रहा है? स्टे लगवा दी है, रुका है। क्यों रुका है ये? हमने पट्टी जमीन जबरन बना रहे हैं धमकी दे करके। कौन धमकी देता है आपको? सचिव सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं? बोलते हमारे पट्टे के, हमको आदेश मिला है, करेंगे बनवाएंगे, तू जो करना है करो। रीवा जिले में ही एक दिन में ही 2 जगह से दुष्कर्म के खबर रही, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र में ही बिटिया का शादी करे के बाद में फंसाए के हवस का शिकार बनावा का। वहां अश्लील वीडियो बनाए के सोशल मीडिया में वायरल करे के धमकी के साथ बिटिया के शोषण कीन का। ये मामला में ही पुलिस आरोपी और उनके साथी के खोज कर रही है। तिहाई मेर के एक और घटना सभी आई, जहाँ एक शादीशुदा महिला युवक पर दुष्कर्म करे के आरोप लगाई नहीं भाई। घटना रीवा जिला के आए, जहां पीड़िता के शिकायत में ही पुलिस आसिफ खान पिता अब्दुल खान निवासी बाड़सागर कॉलोनी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर ली है। बतावा जाता है कि आरोपी पिछले 5 महीना से शादी के झांसा दई के महिला का शिकार बनावत रहा। वह विरोध करे माही जान से मारे के धमकी खिलाई देते रहा और अश्लील वीडियो वायरल करे के नाम माही पीड़िता के शोषण करत रहा। हम आए हैं, हमारे साथ है एक आसिफ खान नाम का लड़का है, वो हमें परेशान करता है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। किस तरह से परेशान करता है और कब से परेशान करता है? आज वो 4 महीने से हमको परेशान कर रहा है। क्या बोलते हैं, क्या पूरे पूरा मामला बताइए? बोलता है कि तुम हमारे साथ शादी कर लो और तुमको हम अच्छे से रखेंगे, तुम अपना बच्चा अपना पति छोड़ दो, सबको ऐसा कर दो, और हमारे बच्चों को मारने की धमकी देता है, हमको भी मारने की धमकी देता है। एक महिला शिकायत पत्र लेकर आई है, जिसमें कोई मुसलमान लड़का के खिलाफ वीडियो वायरल मतलब वीडियो बनाकर उसके साथ अश्लील हरकत की गई है और फिर वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिस पर से शिकायत आवेदन ले लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। उसका आरोप यह कि लड़का दबाव बना रहा है धर्म परिवर्तन करने के, बच्चों के साथ, और बोला कि मेरे घर में आ जाओ, तुमको पैसे दूंगा, वहाँ से कुछ करवाओ। आवेदन में उसने ऐसी कुछ बातें बताई हैं कि वो उसकी कास्ट का नहीं है, मुस्लिम धर्म का है। उसका पति मुंबई में काम करता है, महिला यहाँ अपने बच्चों के साथ रहती थी, और इसका परिचय आसिफ नाम के एक व्यक्ति से हुआ, जिसको मैं करीब 20 वर्ष है, और इसके बाद उसका आना जाना था लगातार वहाँ पर। महिला ने अभी आके जब थाने में रिपोर्ट की तो थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी थे, और मामले को संज्ञान में लेके तत्परता से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया, क्योंकि घटनाक्रम में तथ्य आया कि महिला उसके संपर्क में आई थी और उसके महिला के साथ उसके संबंध मिले, और उसके बाद उसने उसके पति को वो वीडियो वायरल कर दिया, उस असली टाइप की वीडियो थी, उसके पति को वायरल कर दिया, उसके गेट को वायरल कर दिया, और इसके बाद मामला इस तरह से जानकारी में आने के बाद महिला ने इसकी रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से पुलिस ने 376(2)N का मामला, साथ में IT Act का मामला, आरोपी विरुद्ध प्रकरण
दर्ज कर लिया। सतना जिला माही रीवा के लोकायुक्त टीम तबीज दई के 20,000 रुपया के रिश्वत लेब डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड का रंगे हाथ गिरफ्तार कैल हिन। अपना को बताई दई कि लोकायुक्त के छापेमार कार्रवाई के कारण वन विभाग में अब हड़कंप मचा हवे। जानकारी यह रही कि रीवा लोकायुक्त के टीम शुक्रवार का बिहन्ने सतना वन मंडल के परसमनिया के डिप्टी रेंजर धीरेन्द्र चतुर्वेदी का 20,000 रुपया के रिश्वत लेत पकड़े नहीं हुए। चलो ना भाई, चलो यार ले आओ। भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के सदस्य किसान सुब्रत बताइन के उ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ईमेल के जरिए मांग करे रहे हमा के रीवा के अस्थायी बस स्टैंड रेलवे मोड़ से पुरान बस स्टैंड में ही हरबिन स्थानांतरित करे के निर्देश जारी करा, जेकर अब जवाब खला आएगा हवे। एक खातिर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करी नहीं वे अभी जानी किसान नेता का बताए रहे हम। का स्थायी बस स्टैंड है, अस्थायी बस स्टैंड। आप सोच सकते हैं कई महीनों से यहाँ लोग परेशान हैं, आम यात्री से लेके हमारे बस चालक कंडक्टर सभी परेशान हैं। ना यहाँ पे बस खड़ी करने के लिए कहीं पे जगह है, ना यात्रियों को कहीं बैठने के लिए जगह है। आप देख रहे हैं ये ओवर ब्रिज ना होता तो उसकी छांव के नीचे सब लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे महिलाएं सब लोग परेशान हैं। ना यहाँ पानी के पीने की पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ सुलभ शौचालय है। आप सोच सकते हैं पानी तो खरीद के पी सकते हैं लेकिन सुलभ शौचालय के लिए कहाँ जाएंगे। बुलेटिन की अगली खबर सिंगरौली के बैठन के माड़ा से रही, जहाँ के जीड समिति माड़ा रेंज से ट्रक माँ तेंदु पत्ता लोड कई के गोदाम में जात रहा। वहीं अचानक गलिन में ही खुटार के लगे ट्रक में आगी लग गए, जहां आगी इतना भीषण रूप ले ली कि घटना स्थल में ही अफरा तफरी मच गए। आनंद फानन में ही जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचा तब तक सलगा तेंदु पत्ता जल के खाक हो गया रहा। वह ट्रक उजरी गया है। ये परसोना ये बलिया के पास ये हुआ है, ये हादसा। अरे चार मंडल पाँच तीन मंडल आगे लिया कहाँ ये अभी टायर वगैरह सब कुछ बचा। रीमा के रतारा के शराब की दुकान के गोली कांड के मुख्य आरोपी पुलिस के हाथे चढ़ी गा हवे। अपने बताई दे के शराब की दुकान में ही गोली चलाए के दहशत फैलावे वाला सातिर बदमाश का कोतवाली पुलिस गिरफ्तार करके उनका न्यायालय में पेश कर दी सिवा एक साथ है। पुलिस के साथ इनके तलाश कर रही है। फिलहाल आरोपी वारदात का अंजाम देव कबूल कर ली नहीं है, वह आरोपी के दूसरे साथी इनके पुलिस तलाश कर रही है। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहे मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।